इस निज के प्रायोजक है लक्ष्य अकेडमी बालाघाट। MPPSC हो या व्यापम या हो SSC और रेलवे की परीक्षाएं, अगर आपका सपना हो MBBS बनने का, PNST क्लियर करने का या फिर JEE के साथ इंजीनियर बनने का, इसके साथ ही 10th 12th में रैंक लाने का, तो आइए और जुड़िए क्वालिटी एजुकेशन से। 9th टू 12th ऑन सब्जेक्ट 3 दिन का डेमो लेकर स्वयं निर्णय लीजिए। हमारा पता है गोंदिया रोड बालाघाट। प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के रूप में महत्वाकांक्षी योजना CM राइज का प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें अनेकों प्रकार की सुविधाओं को वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हुए उसे दिए जाने की बात कही भी गई थी, परंतु यह सब वास्तविकता में शून्य नजर आ रही है। इसी कड़ी में CM राइज वाराणसी में वर्तमान तक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थी वहीं उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय को CM राइज विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद बेहतर से बेहतर सुविधाओं और अंग्रेजी मीडियम होने से नगर सहित क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने बालक बालिकाओं का प्रवेश CM राइज स्कूल में करवा दिया गया, जहां क्षेत्र के दूर दराज ग्रामों के विद्यार्थियों के द्वारा प्रवेश तो ले लिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट सुविधा का उन्हें लाभ मिल सकेगा और बेहतर शिक्षा भी प्राप्त की जा सकेगी। वर्तमान तक जिला प्रशासन का या विभागों के द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा यहाँ प्रारंभ नहीं की गई, जबकि उक्त विद्यालय में अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी तक के छात्र छात्राओं के द्वारा अध्ययन कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के उपयोग से ही वे विद्यालय पहुंच पाते हैं, तो वहीं अधिकांश लोगों को उनके अभिभावक प्रतिदिन स्कूल छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। ऐसे में अभिभावक को परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं भी छात्र परेशान भी हो रहे हैं और परिवार पर एक नया खर्चा भी बढ़ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या छोटे बालक बालिकाओं के साथ है, जहां पर ऑटो रिक्शा टवेरा चालकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को स्कूल तक लाया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है, जिसमें स्कूल ट्रांसपोर्ट्स प्रारंभ करने को लेकर छात्र छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा सामूहिक रूप से क्षेत्रीय विधायक, SDM, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सभी को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत पूर्व में करवाया गया था, परंतु उस पर भी वर्तमान तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है, जिनके द्वारा समस्त सुविधा अति शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। तो आपको साइकिल मिली है क्या इस साल? नहीं। कौन सी कक्षा में हो? 9th। 9वीं में तो साइकिल मिलती है, पर नहीं मिली। तो अभी साइकिल खरीदे क्या आपने? हाँ। और यहाँ पे जो बस वगैरह जो चलना था वो मिल रही है क्या उसकी सुविधा? नहीं। क्या होना चाहिए? बसें स्टार्ट होनी चाहिए। किस प्रकार की समस्या होती है जैसे गांव से आते हो आप लोग? कभी कभी साइकिल खराब या फिर कभी कभी छोटे बच्चे भी है जो 6th 7th में है, उन लोगों को कुश्ते से आने में प्रॉब्लम भी होती है। तो अभी सब लोग ऑटो वगैरह से आते हैं क्या? हाँ हाँ। तो उनको पैसे खर्च होते होंगे उनके? हाँ। तो रोज आना जाना कर रहे? हाँ। करीब कितने बच्चे आते होंगे? सिस्ट में हमारे कोस्ते से वही 15-16 बच्चे और छोटे छोटे कोई कोई के पेरेंट्स भी लेना लाना ले जाना करते हैं। आपका नाम? सुषमा चौहान।